हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सृष्टि, फूड फूड सूरत से। और आज ना मैं सूरत में आपको ऐसे एक चीज़ बताने वाली हूँ जिसका नाम है चाप। सूरत में ना चाप को, चाप सुन के ऐसा लगता है कि वो नॉन वेज है। एक्चुअली ये चाप वेज आइटम होती है, सोया की बनी होती है, सोया चाप होती है जो वेज आइटम होती है, और वो बहुत ही टेस्टी लगती है। सूरत में एक ओपन हुआ है पटियाला करके, जहाँ पे चाप बहुत ही अच्छी मिलती है एंड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, और बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट रहता है। एरिया में बता दो तो इट्स वेरी सिंपल, राहुल राज का साइड का जो लेना है, लालबाग स्टेडियम के एग्जैक्ट सामने आएगा पिंड पटियाला। और मैं आपको एड्रेस वगैरह सब मेंशन कर दूंगी और गूगल मैप लिंक भी दे दूंगी, तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं पिंड पटियाला के चाप में क्या क्या है। आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, तो मेरे चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, तो न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आपने मेकिंग देखा कि वो जो सिगरी पे वो जो फ्लेम वाला फ्लेवर आ रहा था ना, वो देख के मुझे काफी मजा आ गया। क्योंकि जनरली चाप ऐसे बनती है ना तो बहुत मजा आ जाती है, क्योंकि ये चाप खाने में मजा ही है। और मैंने सोचा तीन प्लेट मैंने ऑर्डर की है। ये है ईरानी सोया चाप, ये थोड़ा ग्रेवी टाइप होता है, 110 प्राइस है इसकी। ये है मसाला चाप, एक्चुअली मिक्स मसाला चाप है। इसमें क्या है, चाप और पनीर है, तो दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन है, फ्लेवरफुल रहेगा। और ये है मशरूम, मशरूम जनरली आपको ना रेस्टोरेंट में मिलता है बट स्ट्रीट फूड में बहुत कम मिलता है, तो सोचा ये भी ट्राई कर ले। मशरूम की वाली प्राइस है 100 रुपीज, मिक्स वाले जो प्राइस है वो 120, एंड जो सोया ईरानी चाप है उसकी प्राइस रहेगी 110। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं कैसा है। ये जो ईरानी चाप है ना, ये देख रहे हो, ये थोड़ी ग्रेवी टाइप रहती है, मतलब सेमी ग्रेवी, इतना भी नहीं रहता, पर ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, क्रिस्पी एंड ग्रेवी। साथ में आपको चटनी एंड अनियन भी मिलेगा। गुड, का फ्लेवर ना बहुत ही यम्मी सा है, मतलब ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहेगा, फ्लेवरफुल रहेगा। लेट्स ट्राई मिक्स वन। देखिए मिक्स में क्या है, पनीर भी है और चाप भी है, तो ये आपका मसाला फ्लेवर हो गया, पनीर एंड चाप। लेट्स ट्राई फर्स्ट चाप। चाप इज सो गुड, मतलब मसाला फ्लेवर जो है ना वेरी गुड, पनीर भी खा लेते हैं। दिस इज अमेजिंग, मतलब स्ट्रीट फूड में आपको इस टाइप की चाप खाने में मजा आ जाएगा। यह है मशरूम, मशरूम को ना 2 पीसेस में कट भी किए हुए, क्योंकि वो जो ग्रिल हो रहा था ना उसके बाद कट किए थे। ये देखिए, मुझे एक्चुअली मशरूम पर्टिकुलर बहुत पसंद है। वेरी गुड मशरूम, स्ट्रीट फूड के इस टाइप के मशरूम मिल जाए ना तो मजा आ जाए। लेट मी ट्राई दैट चटनी ऑल्सो। ग्रेट।
ये हमारे पास सोया स्टफ चाप, एक्चुअली ये है स्टफ चाप जिसके अंदर पनीर के स्टफ किया हुआ है। 120 प्राइस है इसकी। एक्चुअली मैंने यहाँ पे जितने भी प्लेट्स खाए ना वो पूरा हाफ प्लेट खाया और क्वांटिटी बहुत अच्छी थी, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं ये कैसा लग रहा है। सो गुड। एक्चुअली इस आउटर पार्ट इतना क्रिस्पी है, क्रंची है, और अंदर का सॉफ्ट पार्ट है, विच बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ जाएगी खाने में। एंड द फ्लेवर टॉप इज सो गुड, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। दिस वन इज, ये रोल है 120 का, सोया चाप रोल है जिसके अंदर स्टफ होता है चाप का, एंड 2 पीसेज आएंगे रोल में 120 में, एंड इसके अंदर पूरा बड़ा बाइट है, आटा की रोटी रहेगी और उसके अंदर सोया चाप का स्टफ रहेगा। तो चलिए ट्राई करके देते, ऑब्वियसली चाप है तो ट्राई करना ही पड़ेगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? मैंने बहुत सारे चाप खाए हैं और बहुत ही मज़े किए हैं, और बहुत सारे वेरिएशंस भी खाए हैं चाप में, तो आप भी यहाँ पे आइए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको क्या पसंद आया। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।